एवरीबडी, सो वेलकम बैक टू माई चैनल कृतिकाज क्रिएटिविटी. आई एम कृतिका. तो जब मैं स्टार्टिंग में आईलाइनर लगाना स्टार्ट किया था, जब मैं आईलाइनर अप्लाई करती थी तो लिक्विड लाइनर का मैं यूज़ करती थी, जिसमें प्रॉब्लम होती थी लाइनर लगाने में. एक्चुअली लाइनर में नहीं लगा पाती थी, वो फैल जाता था या ज़्यादा मोटा हो जाता था या सही से नहीं लग पाता था. तो ये सब चीज़ें मैं प्रॉब्लम फेस करती थी और मैं सोचती थी कि लाइनर लगवाऊँगी तो लगवाऊँ किससे. तो फिर उसके बाद मैंने अपने लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा. तो अगर आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप लोग भी नए हैं, मतलब स्टार्टिंग में भी लाइनर लगाना स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं लग पाता है, तो क्या सॉल्यूशन है मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आई. तो मैंने जो अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढा था, उस सॉल्यूशन से मैं अब आईलाइनर बहुत ईजीली अप्लाई कर लेती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती लाइनर लगाने में. तो अगर आप लोग भी ऐसे ही कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है. एंड द वीडियो ज़रूर देखना. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. और अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना उन लोगों के साथ जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लाइनर नहीं लग पाता है और इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं. तो मैं आप लोगों के साथ ये सॉल्यूशन बताने वाली हूँ आप लोगों को ये सॉल्यूशन, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है लाइनर लगाने में. एक्चुअली जब भी हम लिक्विड लाइनर लगाते हैं तो हमारा हाथ जो है बहुत ज़्यादा हिलता है, कपकपाता है, जिसकी वजह से हम लाइनर सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं. तो हम मेरे पास सॉल्यूशन है ये काजल पेंसिल, या आप इसको लाइनर पेंसिल कुछ भी कह सकते हैं. ये बहुत ही हेल्पफुल है लाइनर लगाने के लिए. और ये है मेरा स्विस ब्यूटी का इंटेंस जेल काजल, जो कि आप एज अ काजल, लाइनर और आईब्रो पेंसिल कुछ भी करके यूज़ कर सकते हैं. तो ये मेरा सबसे बड़ा मतलब सॉल्यूशन है लाइनर लगाने का. इसने मतलब मेरी लाइफ चेंज कर दी लाइनर लगाने में. और अब मेरे को लाइनर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं इसलिए लाइनर अप्लाई करती हूँ. तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं कितना इजीली मैंने ये लाइनर अप्लाई कर लिया है. इसी तरीके से मैं दूसरी आई पे भी लाइनर अप्लाई कर लूँगी. तो आप लोग देख सकते हैं मतलब एक मिनट के अंदर अंदर मैंने अपनी दोनों आईज पे लाइनर लगा लिया है. अगर आपको विंग आई लाइनर लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं. आप इधर की साइड कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं और हल्का सा इस तरीके से स्ट्रोक लेके जाएंगे एंड फिर उसके बाद इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे. ये देखिए, ये हल्का विंग आईलाइनर मैंने अप्लाई किया है और इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आई पे अप्लाई कर लूँगी. तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से लाइनर दोनों आईज पे ड्रॉ कर लिया. बहुत इजीली ये लाइनर ड्रॉ हो गया है. एंड आई थिंक स्विस ब्यूटी का मैंने पहली बार ये लाइनर मतलब काजल पेंसिल ट्राई की है. एंड मुझे थोड़ा पहले डाउट था लेकिन अब मतलब मैं इसको 10 out of 10 दूंगी, क्योंकि मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा. एंड इसमें हल्के हल्के ग्लिटर पार्टिकल्स भी हैं और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं. अगर आप लोगों को ट्राई करना है ये पेंसिल लाइनर तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. इसमें डिफरेंट कलर्स हैं. मेरे पास ये ब्लैक कलर है क्योंकि मैं ब्लैक ही लाइनर यूज़ करती हूँ. मैंने कलर लाइनर अभी तक यूज़ नहीं किया है और मुझे नहीं पता वो कैसे लगेगा. तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं कलर्ड लाइनर का भी रिव्यू आप लोगों को दूँ तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं. एंड अगर आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लाइनर लगाने की तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए एंड इट विल हेल्प्स यू.
सो एक ही स्ट्रोक में मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया। लिक्विड लाइनर होता तो मैं इसी में स्ट्रगल करती रहती, लेकिन अब मैं फिर भी थोड़ा ट्रेन हो गई हूँ। स्टार्टिंग में मेरे को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब मेरे को लिक्विड लाइनर लगाने में भी कोई परेशानी नहीं होती। जब एक बार आपको लाइनर लगाना आ जाता है, आप स्टार्ट करते हैं लाइनर लगाना, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आई थिंक पेंसिल लाइनर लगाने से, पेंसिल लाइनर अप्लाई करने से वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, एंड अगर आप ट्राई करते हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस मतलब इसके ये भी फायदे हैं कि आप इसे एज अ काजल यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका काजल, एंड इसको आप एज अ आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही पेंसिल से इतने सारे काम हो सकते हैं, एंड अगर आप एक लिक्विड लाइनर खरीदते हैं तो उससे सिर्फ आप आईलाइनर ही ड्रॉ कर सकते हैं, काजल नहीं लगा सकते, आईब्रो नहीं बना सकते। तो इस एक पेंसिल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एंड ये ग्लिटर लाइनर मैंने पहली बार यूज़ किया है, एंड मेरे को काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है, मतलब फंक्शन में जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और ज़्यादा ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा शिमरी है, मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा इफेक्ट दे रहा है। तो आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें प्लेन लाइनर भी हैं, प्लेन काजल वगैरह, तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे कलर भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली आप यूज़ करने वाले हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और क्या चाहते हैं आप लोग मेरी वीडियो में, आप ये भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।